सबर, सबर वो चीज़ है जो इंसान अक्सर अपनी पसंदीदा चीज़ पर करता है, और सबर एक बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन कुछ लम्हे, कुछ वक्त ऐसे आते हैं कि हम सबर करने पे मजबूर हो जाते हैं। सबर के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। हम चाह के भी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ हमें सबर करना है। सबर, सबर मतलब वो चीज़ है जो हमें रब से मिलाती है। जैसे हम जब किसी को बहुत दिल से पसंद करते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो नहीं होगा तो हम रह नहीं सकते, हम जी नहीं सकते। लेकिन वही रब जब हमें सबर दे देता है तो लगता है जैसे कोई ख्वाब था जो गुज़र गया, कोई वक्त था जो गुज़र गया। हम चाह के भी उन लम्हों को वापस नहीं ला सकते जो हमने गुजारे। फिर हम यही सोचते हैं कि शुक्र है उस रब का कि हमें उन कीमती लम्हों में जीने को मिला। ये भी एक रब की अदा है अपने बंदों को अपने करीब लाने की। क्योंकि इंसान वो चीज़ है कि अगर हम चाहें भी तो रब के इतने करीब नहीं जा सकते जब तक रब ना चाहे। और ये जब ही मुमकिन है जब अल्लाह हमें एक कड़ी आजमाइश से गुजारे, भले वो आजमाइश किसी भी सूरत में हो, औलाद की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, माँ या बाप की सूरत में हो, या फिर आप किसी से मोहब्बत करते हैं उस सूरत में हो। उस टाइम तक हम रब के करीब नहीं जा सकते जब तक रब हमें उस कर्ब से ना गुजार दे जिसका हमें एहसास भी नहीं हो सकता, जिसका हम दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिसका हमें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो शायद हम जी नहीं सकेंगे। लेकिन ये वही रब है जब उन लम्हों में गुजारता है तो रब फरमाता है कि जब इंसान को मुसीबत और परेशानियों में डालता है, आजमाइशों में डालता है, तो वो कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता। इसका मकसद यही है कि वो हमें संभाले रखता है। बेशक अगर वो हमें संभाले नहीं तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन वही रब है जो हमें सब्र दे देता है। ये जो वक्त है, वक्त सबसे बड़ा मरहम है इंसान के दुखों का, दर्द का। इतना मरहम है कि ये मरहम इंसान को कोई दूसरा शख्स भी नहीं दे सकता जितना वक्त है। जैसे जैसे ये वक्त गुजरता रहता है तकलीफ़ की शिद्दत में कमी आती चली जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उस आजमाइश से गुजरे तो हमें अल्लाह ने अपने करीब पाया। क्योंकि हम देखते हैं कि हम इबादतें करते हैं, वो इबादतें हमारी कुछ इस तरह की होती हैं कि हमने नमाज पढ़ी, फिर दूसरी नमाज पढ़ ली, यानी कि टाइम पीरियड एक चल ही जा रहा है। लेकिन जो एक मकसद होता है, एक जो मकसद होता है हमारा कि जो हमसे रब चाहता है कि हम जिस तरह की इबादत करें, जिस तरह की हमारी इबादत में लज्जत आए, तो वो लज्जत जब तक हमें कोई तकलीफ़ किसी इंसान से या किसी उस शख्स से ना पहुँचे जिसको हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा कीमती जानते हैं और मानते हैं, जब तक उस शख्स से हमें तकलीफ़ ना पहुँचे, जब तक तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी हमारी इबादतों में, वो लज्जत नहीं आती है। हम देखते हैं जब कोई तकलीफ़ से गुज़रता है तो उसकी नमाज़ें लंबी हो जाती हैं, उसके सजदे लंबे हो जाते हैं। जो एक टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ता था वो आज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगता है। फिर वो इबादत रब के हुक्म से इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को तहज्जुद तक ले आती है, और तहज्जुद में इंसान किस कदर गिड़गिड़ा के रब से मांगता है। तो वो लम्हा ऐसा होता है जो रब के सबसे करीब इंसान को ले आता है। और मुझे लगता है कि ये जो दर्द और तकलीफ़ है ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है। अगर ये रब तकलीफ़ बंदों को ना दे तो हम हरगिज इतने करीब रब के नहीं जा सकते जितने करीब उन लम्हात में चले जाते हैं जब हम किसी शिद्दत की तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। तो ये हमारा रब ही है जो हमें गुनाहों से बचाकर उस मोड़ पे ले आता है कि हम इबादत की तरफ आते हैं। और फिर हम इबादत भी इस तरह करते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम इतनी लज्जत कैसे मिल रही है। और मानो ऐसा लगता है
जैसे अगर हम इबादत नहीं करेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा। बेशक सुकून सिर्फ रब की ज़ात ही दे सकती है। तो जब हम इबादतें और सुजूद करते हैं उसके बाद जो हमें पुरसकून नींद आती है, पुरसकून हमारा दिल हो जाता है। जैसे हमने सब की सब मुरादें, अपनी दुआएं, अपनी दिल का हाल जो हम अपने सगे माँ बाप को नहीं बता सकते, जो हम अपने सगे बहन भाई को नहीं बता सकते, वो तमाम बातें हम अपने रब के सामने पेश कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो तमाम मामला हमने रब के पास पेश कर दिया और उसके बाद जो हमें सुकून मिलता है वो हमें सुकून कभी मिल ही नहीं सकता। तो बस आज का टॉपिक कुछ इसी किस्म का था कि हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक सब्र वो चीज़ है, जब अल्लाह पाक किसी को ख़ास मकाम देना चाहता है तो पता है किस तरह पहुंचाता है, उसकी इबादतें उस तक नहीं पहुंचा देती हैं। तो ये आजमाइशें ही हैं जो हमें उस मकाम तक पहुंचा सकती हैं जिस मकाम पे अल्लाह हमें पहुंचाना चाह रहा है। कि अगर हम उस आजमाइशों पर रब का शुक्र अदा करें और सब्र करें और अल्लाह के फैसले पर मुतमईन हो जाएं, तो रब हमें वो मकाम देता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। जब भी आप पे कोई आजमाइश या परेशानी आए तो इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको ख़ास जाना, जब ही आजमाइश में डाला, जब ही परेशानी में मुब्तला किया, जब ही उन लोगों से हमें धोखा दिलवाया कि जिन पे हमें इतना यकीन था कि वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो ज़ात यही दिखाना चाहती है हमें कि जिस चीज़ से हम दिल लगाएंगे अल्लाह उस चीज़ से हमें दूर करेगा और ये बताएगा कि रब के सिवा कोई भी सबसे ज़्यादा चाहने वाला नहीं है। जब भी हम पे आजमाइश आए तो हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना।